नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। जल्द ही इंडिया ए की टीम बांग्लादेश से दो वार्म अप मैचेस में भिड़ेगी। आपको बता दें कि इस टीम की कमान अभिनव मुकुंद को सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या और जयंत यादव भी सेलेक्टर्स की निगाह अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ 11 खिलाड़ियों में अभिनव मुकुंद अपनी जगह बना सकते हैं, यदि केएल राहुल या फिर मुरली विजय इन दोनों में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो। वहीं हार्दिक और जयंत यादव भी फील्ड पर बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कप्तान विराट कोहली और अनिल कुंबले दोनों ही चाहते हैं कि टीम इंडिया में जल्द ही ऑलराउंडर का स्लॉट भर दिया जाए। वहीं रणजी ट्रॉफी में प्रियांक पांचाल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। प्रियांक पांचाल पहली बार बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम के सामने खड़े होंगे और तस्कीन अहमद और शाकिब अल हसन जैसे शानदार गेंदबाजों को खेलने की कोशिश करेंगे। गेंदबाजों की बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर शहबाज नदीम को अपनी स्किल्स बांग्लादेश के सामने निखारने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। लेफ्ट आर्म सिमर अंकित चौधरी और चामा मिलंत पर भी सिलेक्टर्स की नजर रहेगी। जहीर खान के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया में लेफ्ट आर्म पेसर की जगह काफी समय से खाली पड़ी है। हालांकि आशीष नेहरा T20 में जरूर कमाल दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी फॉर्मेट में भारत को लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत पड़ेगी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ए की जो टीम उतर रही है उसमें अभिनव मुकुंद, प्रियांक पांचाल, श्रेयस अय्यर, ईशांक जग्गी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, शहबाज नदीम, जयंत यादव, कुलदीप यादव, अंकित चौधरी, चामा मिलंद और नितिन सैनी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।